क्या आपके भी मोबाइल में स्नैपचैट नहीं चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल में स्नैपचैट क्यों नहीं चल रहा है, उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यहां देखिए, बेसिकली मेरे मोबाइल पर है और यहां पर देखिए हमने स्नैपचैट को हम ओपन करते हैं। जैसे देखिए अपने स्नैपचैट को हम ओपन करेंगे, हमारा जो स्नैपचैट है वो यहां से सही से काम नहीं कर रहा है। देखिए हम टर्न ऑन पर भी क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से ये सेटिंग पर रीडायरेक्ट कर दे रहा है या फिर हमें बाहर कर दे रहा है और हमारा जो स्नैपचैट है वो सही से यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं। इसके लिए देखिए ये कई कारणों से होता है, तो यहाँ पर मैं दो तीन स्टेप बताने वाला हूँ जिनके कारण इस तरीके से हो जाता है, तो इसे आप प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये इंटरनेट कनेक्शन के कारण भी होता है और मोबाइल की सेटिंग से भी हो जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखते रहना है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने नोटिफिकेशन को इस तरीके से आप डाउन करेंगे। जैसे नोटिफिकेशन को आप डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक एरोप्लेन मोड मिलेगा आपको, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर इसे अनटिक कर देना है। इससे होगा यह कि आपके मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन बग्स या कोई एरर प्रॉब्लम होगी तो वो सही हो जाएगी, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही तो ठीक हो जाएगी। वरना अब यहाँ पर सेटिंग को ध्यान से देखिए, इसके कारण भी ऐसा होता है। तो चलिए मैं आपको दो तीन सेटिंग बता देता हूँ, उनको ध्यान से देख लीजिएगा ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सिम कार्डेस मोबाइल डाटा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल से डाटा का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वो सिम चेक कर लेना है जो सिम पर आप रिचार्ज है उसी सिम को आपने सेलेक्ट कर रखा है, कोई दूसरा सिम तो आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा है। जैसे कि हमारा रिचार्ज सिम 2 में है और हमने 1 को सेलेक्ट कर रखा है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जैसे कि कोई मिस्टेक गलत हमने सेलेक्ट कर रखा हो। ये ऐसे हो जाता है, देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में हम डाउन करेंगे या किसी भी प्रकार से सेटिंग्स में कोई भी छेड़खानी करें भी ऐसा हो जाता है। तो हम आपको दिखा देते हैं ये होता कैसे। चलिए यहाँ पर हम आते हैं और इसको देखिए हम इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो ये देखिए डाटा स्यूट सेटिंग होती है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से 1-2 सिम सेलेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक किया तो भी 2 सिम सेलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे देखिए 1 सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से ये स्विच कर जाता है, सेटिंग्स में मिस्टेक हो जाती है या फिर आप किसी भी प्रकार से कर देते हैं, तो इसको चेक कर लेना है। यहाँ से चलिए बैक आते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगर आपका जो अभी ये काम नहीं कर रहा है या इस तरीके से सेटिंग में कर रहा है या आपको बाहर कर दे रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको अपने स्नैपचैट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। फिर जैसे इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलिए हम करते हैं, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ऊपर देखिए ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके आएगा, तो यहाँ पर देखिए फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्स स्टॉप के सामने इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या आप फोर्स स्टॉप कर देंगे, अगर कोई भी थोड़ी एरर आ रहा हो तो वो सही हो जाएगा। इसके अलावा भी आप यहाँ पर सेटिंग चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हम स्टोरेज यूजर्स पर क्लिक करते हैं और इसके नीचे देखिए आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, नीचे देखिए क्लियर कैच करना है। सिंपली हम क्लियर कैच पर क्लिक करेंगे, क्लियर डाटा कर देंगे तो आप अपने इससे आईडी को लॉग आउट कर देंगे, तो फिर से आपको आईडी लॉगिन करनी होगी। तो क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैच करना है। चलिए यहाँ से बैक आते हैं। इसके बाद देखिए एक नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाटा यूजर्स डिटेल्स का, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं ये दोनों ऑप्शन बंद होने चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन इनेबल होगा तो ये आपके स्नैपचैट का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं इंटरनेट यानी मोबाइल डाटा को, तो आपको ये दोनों बंद होने चाहिए। चलिए यहाँ से बैक आते हैं। अगर आपके इनेबल, वैसे तो बंद ही हो गया, अगर इनेबल है तो बंद कर देना है। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए मैनेज नोटिफिकेशन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमिशन का, आप परमिशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो परमिशन है वो देखिए काफ़ी परमिशन मेरी यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो आपको परमिशन अलाउ करनी होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे की परमिशन होनी चाहिए क्योंकि स्नैपचैट में कैमरे का ही काम होता है, तो इससे चलिए हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, इसको परमिशन दे देनी है। इसके बाद हम बैक आते हैं और नीचे देखिए अगर हम फोटोज़ या वीडियोज़ को क्लिक करते हैं तो स्टोरेज की भी परमिशन होती है, क्योंकि अगर स्टोरेज की परमिशन नहीं होगी तो वहाँ पर फोटो और वीडियो सेव कहाँ पर होंगी। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको देखिए अलाउ कर देते हैं ताकि ये भी परमिशन अलाउ हो जाए। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, अभी ये भी देखिए परमिशन दे दी। इसके बाद देखिए कॉल लॉक की तो कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर परमिशन है ये जरूरी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये देख लीजिए आपके में परमिशन होनी चाहिए। इसके बाद चलिए हम यहाँ से बैक आते हैं और अब हम अपने स्नैपचैट को ओपन करके देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। ओपन हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने इंस्टाग्राम की ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में। अगर आपका फिर भी इंस्टाग्राम सही से काम नहीं कर रहा है तो आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करके स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हैं। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। इस तरीके से आप भी अपने स्नैपचैट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो थी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।